फोटो एडिटिंग की अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए फोटो के साथ। अगर आप अपनी खुद की फोटो कुछ इस तरह की बनाना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। इस तरह के एडिटिंग के आपने कई सारे YouTube पे वीडियो देखे होंगे, मगर उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, कुछ इस तरह का। मैंने भी ये फ़ोटो बनाई हुई है। अगर आपको इस तरह की फ़ोटो बनानी है तो उसकी मैं लिंक यहाँ आई बटन पे दे रहा हूँ ऊपर, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वाली फ़ोटो में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होती है वो वाइट होती है। ओरिजिनल बैकग्राउंड में आप इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं, आज मैं आपको उसी के बारे में सिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जाएंगे यहाँ शेयर में, शेयर में जाने के बाद जाएंगे यहाँ पिक्सार्ट में, जाएंगे यहाँ टूल्स में, वहाँ पे जाएंगे क्लोन। फोटो को थोड़ा जूम इन करेंगे, फिर इस वाले एरो को उसकी जगह पे रखेंगे और फिर कुछ इस तरह से क्लोन करेंगे। हमें आधा आधा हिस्सा ही क्लोन करना है, पूरा नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से डन कर लेंगे। अब फोटो को सेव करना है, उसके लिए जाएंगे हम यहाँ ड्रो में। ड्रो में जाने के बाद जाएंगे हम मोड एक्शन और वहाँ से सेव इमेज। फोटो को सेव करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद यहाँ से कर लेंगे अड्डू, दो बार अड्डू करेंगे तो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो दोबारा से मिल जाएगी हमें। फिर जाएंगे यहाँ टूल्स में, वहाँ पर जाएंगे स्ट्रेच, जाएंगे वॉप, वहाँ से पावर को फुल रखेंगे, साइज एडजस्ट कर लेंगे। स्ट्रेच करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ ड्रो में, वहाँ पे जाएंगे लेयर पैनल, फिर जाएंगे एड लेयर, उसमें फोटो लेयर, वहाँ से हम अपनी क्लोन वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे। दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेंगे। फिर जाएंगे एड लेयर, उसमें से फ़ोटो लेयर, वहाँ से हम अपने ओरिजिनल वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे। फिर जाएंगे लेयर एक्शन और फिर कॉपी। दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके उसे तीसरे नंबर पर रख लेंगे। पहले नंबर प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे इरेजर में, वहाँ से ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे सेटिंग, अब इरेज करेंगे। ठीक है, फिर जाएंगे लेयर एक्शन और फिर मर्ज। पहले नंबर के लेयर को यहाँ से हाइड कर लेंगे, दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर इरेज करेंगे। फिर जाएंगे लेयर एक्शन और फिर मर्ज। पहले नंबर के लेयर को यहाँ से अनहाइड कर लेंगे, पहले नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे इरेजर में, वहाँ से ये वाला इरेजर सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी साइज सेट कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेंगे। फिर जाएंगे इरेजर में, वहाँ से ये वाला ब्रश सिलेक्ट करके यहाँ से डन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से डन कर लेंगे। फिर जाएंगे इफेक्ट में, HDR2, यहाँ से डन कर लेंगे। अब फोटो को सेव करना है, उसके लिए जाएंगे यहाँ ड्रो में, मोड एक्शन, सेव इमेज। फोटो सेव हो चुकी है।